कैप्टन, आज हम बनाने वाले हैं चना लहसुन। तो चलिए फ्रेंड्स, चना लहसुन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में काबुली चना लीजिए, उसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है हल्दी और नमक डालकर। फिर उसमें एग का व्हाइट पार्ट ऐड कीजिए। फिर उसमें चॉप की हुई कोथमीर ऐड कीजिए। फिर उसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। फिर उसमें नमक ऐड कीजिए। फिर उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए। कॉर्नफ्लोर हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर से कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए ताकि चने अच्छे से कॉर्नफ्लोर में कोट हो जाए। अब इसमें फूड कलर ऐड कीजिए। और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मैरिनेटेड चने को 10 मिनट के लिए रख लीजिए और 10 मिनट बाद गरम तेल में गोल्डन होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए ऐसा कलर आना चाहिए। हमारी क्रिस्पी चना रेडी है। आप लहसुन लीजिए, उसे इस तरह से बेलन से थोड़ा सा कूट लीजिए। अब तेल में फ्राई कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसे हम ज्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, उसे लाइटली फ्राई करना है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी चना लहसुन बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी के लिए सजेशन देना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं।